नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी को मिटाने चले थे, विपक्ष का प्लान कैसे मिट्टी में मिल गया, आज उसका चैप्टर है। महाराष्ट्र से भी बड़ा खेल अब बिहार और यूपी में होने वाला है क्या? पवार के बाद अब नीतीश और अखिलेश की पार्टी टूटने वाली है क्या? एनसीपी टूटने के पीछे मोदी शाह हैं या सब पवार का गेम है, आज इसका जवाब भी आपको दूं। केजरीवाल को डबल झटका कैसे लगा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह कैसे केजरीवाल की फजीहत हुई है, आज उसका चैप्टर भी है। मनीष सिसोदिया को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ी बात कौन सी कही और कोर्ट ने केजरीवाल से ऐसा क्या पूछ लिया कि उनके होश उड़ गए, आज इसका चैप्टर। इसके अलावा मोदी योगी मॉडल ना होता तो भारत भी फ्रांस की तरह जलता क्या? फ्रांस में आग लगाने वालों को खुद फ्रांस लेकर आया था। फ्रांस की हिंसा की वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देंगी। आखिर में हवा से पानी बना देने वाली मशीन का चैप्टर है, वो मशीन जो दुनिया का अगला विश्व युद्ध रोक सकती है। और वायरल वीडियो में सड़क पर महिला को पीटता शख्स मुसलमान निकला क्या, इसका सच भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिविजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आज केजरीवाल सरकार के अलग अलग विभागों में काम कर रहे 400 एक्सपर्ट्स को बर्खास्त कर दिया। एलजी दफ्तर की तरफ से बताया गया कि इन लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया और बिना जरूरी अप्रूवल के इन्हें ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया। एलजी ऑफिस ने भी आरोप लगाया है कि नियुक्तियों में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज संसदीय समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक समिति के विपक्षी सांसदों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जल्दबाजी ना कीजिए, चर्चा करके यूसीसी को लाना चाहिए। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि यूसीसी का असर देश के उत्तर पूर्वी इलाकों और आदिवासियों पर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि शिवसेना, बीएसपी और बीआरएस ने यूसीसी का विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए कन्वेंशन सेंटर में कैबिनेट की बैठक करीब 4 घंटे तक चली। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ सकती। प्रयागराज पुलिस जल्दी ही दोनों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर सकती है। आयशा नूरी और जैनब पर उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर्स को पैसे और फरारी में मदद करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के रामबन में आज चंद सेकंड के अंदर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ गया। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त हाईवे से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। हालांकि हाईवे पर मलबा आने के बाद ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ गया। दिनभर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि मोदी को मिटाने चले थे, विपक्ष का प्लान मिट्टी में मिल गया, क्या महाराष्ट्र से भी बड़ा खेल अब बिहार और यूपी में होने वाला है, पवार के बाद अब नीतीश अखिलेश की पार्टी भी टूटने वाली है क्या, एनसीपी टूटने के पीछे मोदी और शाह या सब पवार का गेम। में विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी से लड़ने की तैयारी कर, लेकिन नरेंद्र मोदी से तो तब लड़ेंगे ना जब अपना घर पचा पाएगा विपक्ष। मोदी से लड़ने जा रहे विपक्ष के सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज यह आकर खड़ा हो गया है कि अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी राजनीति कैसे बचाएं। क्योंकि आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में शरद पवार का परिवार और पार्टी दोनों बिखर गए, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में टूट फूट के कयास लगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट है कि अखिलेश यादव के कई साथी टूटकर अलग हो सकते हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के लिए स्थिति यह हो गई है कि अपनी अपनी पार्टी को बचाने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। भाई, जब तुमसे अपनी पार्टी नहीं बच रही, अपने लोग नहीं संभल रहे, आप देश क्या संभालोगे? ऐसे में वो पब्लिक को कैसे गारंटी देंगे कि वो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं? पब्लिक पलट के पूछेगी कि बॉस, आपके यहां तो आपके लोग ही नहीं टिक रहे, आप टिकी हुई सरकार कैसे दोगे? नरेंद्र मोदी कम से कम 10 साल से टिकी हुई सरकार तो दे रहे हैं।
पहले आप महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर और उस पर यूपी और बिहार से आ रही प्रतिक्रियाओं को सुनो, क्योंकि बात सिर्फ महाराष्ट्र तक अब रही ही नहीं, यूपी बिहार की राजनीति में बड़ा असर पड़ने वाला है कहा जा रहा है। नेताओं की बात सुन लीजिए, फिर पूरा गणित भी समझाऊंगा। समाजवादी पार्टी के भविष्य को भी देख करके लोग अपना भविष्य सुधारने के लिए, कायम रखने के लिए वो लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग सांसद बनने के लिए परेशान हैं, तो वो मिलते हैं तो रास्ते की तलाश में हैं कि हमको किसी से बात करा दीजिए, हम चले जाएं वहाँ, अगर सरकार में हमको जगह मिल जाए या हम सरकार में हमको कोई ऐसा जगह मिल जाए कि ताकि हम ठीक ठाक हो जाएं, हमारा भविष्य अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, तो इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, तो ये क्या दिखता है? कई लोग तो हमसे खुद बात किए, मतलब आपके संपर्क में भी हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद? सांसद नहीं, विधायक, विधायक है। और सांसद का तो बयान ओपन आ रहा है, जो सांसद का बयान आ रहा है ये सब साफ साफ जाहिर आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। सांसदों का बयान के खिलाफ है, विधायक आपके संपर्क में है? हाँ, संपर्क में है, हमारे भी संपर्क में है, कुछ लोग डायरेक्ट संपर्क में हो गए हैं। ऐसे सभी लोगों का ध्यान विपक्षी एकता पर हुआ, बड़ी गर्माहट हुई, तो महाराष्ट्र में खेल हो गया। फिर कुछ मीटिंग इनकी बंगलोर हो रही है, तो मीटिंग होने के बाद तो देखिएगा फिर कोई खुरापात हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश का नंबर आ सकता है। हाँ, यूपी का नंबर आ सकता है, बिहार का नंबर आ सकता है। अगर यूपी की बात करें जयंत जी का, तो वहाँ अखिलेश जी का क्या है? कुछ नहीं है। वहाँ तो मायावती जी का है, वहाँ तो कांग्रेस का कुछ है। इस नाते जयंत जी भी सलामी करने की तैयारी में है। देखिए, सच पूछिए तो दोनों पार्टी की स्थिति के बारे में यदि कंपैरिजन कीजिए तो कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे हुए, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं कितने दिनों तक साथ रहे तो, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं है, सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। जिस दिन किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा, कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार, तो ऐसी स्थिति है। लेकिन हम कोई यह नहीं कह रहे हैं कि उसके लिए हम लोग कोई ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन जो सच है उसकी जो जानकारी मुझको है यह हम बता रहे हैं। स्थिति बन रही है क्योंकि नीतीश कुमार जी पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए एक मिनट भी समय नहीं दिया। सांसद हर लोगों को इंतजार करना पड़ता था, अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अग्नि लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है कि बड़ी संख्या में हमलों के भी संपर्क में। लेकिन अब किसको लेंगे नहीं लेंगे, लेना कि नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दल के अंदर एक उदासी है, लोगों को अपने भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। तो यहाँ अलग ही नैरेटिव सेट हो गया है बॉस। कहां कहा जा रहा था कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, अब नरेंद्र मोदी का क्या होगा, यहां विपक्षी एकता का जो मॉडल था वही मिट्टी में मिल गया। यूपी बिहार में पैनिक की स्थिति है, कहां कब कौन टूट जाए पता नहीं चल रहा। और जिन तीन राज्यों की मैंने बात की, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, ये तीनों बड़े राज्य हैं और वहां पर लोकसभा की इतनी सीटें हैं कि 2024 का पूरा गेम पलट सकता है। आप देखिए, जिन तीन राज्यों की बात हो रही है वो तीनों राज्य अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट राज्य हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यूपी, यहां 80 लोकसभा सीट है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और यहीं पर बीजेपी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दो बार जो है ऐतिहासिक सीटें हासिल करके कमाल कर चुकी। उसके बाद है महाराष्ट्र, जहां पर खेल हुआ है, यहां पर 48 लोकसभा सीट, जो कि यूपी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सीट वाला राज्य है, यहां अलग खेल हो गया है। तीसरा, जहां खेल होने की बात चल रही है बिहार कि कांग्रेस टूटेगा कि जेडीयू टूटेगी, यहां पर 40 सीट्स, यानी अगर इन तीनों को आप मिला दीजिए तो ये 168 सीट बनती है। तीन राज्यों में 168 सीट है भाई,
अब आप सोचिए 168 सीट पे खेल हो गया तो फिर विपक्ष का प्लान ही मिट्टी में मिल गया। और इनमें बीजेपी के पास कितनी है अभी, बीजेपी के पास इनमें से यूपी में 80 में से 66 सीट बीजेपी के पास है इस वक्त, महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीट बीजेपी के पास है क्योंकि तब शिवसेना के साथ मिलकर लड़ी थी, और बिहार में जो 40 सीट है उसमें 17 सीट बीजेपी के पास है तब जेडीयू उसके साथ मिलकर लड़ी। यानी इन 108 में से अकेले 168 में से 106 सीट अकेले अभी किसके पास है, बीजेपी के पास। अब इन तीन राज्यों में से यूपी में योगी के रहते बीजेपी के लिए कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही, योगी मॉडल की चर्चा हर जगह है, और अभी राम मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, यूपी कैसे किसी और के लिए वोट करेगा समझ ही नहीं आता। बिहार और महाराष्ट्र ऐसे दो राज्य हैं जहां विपक्षी एकता को बीजेपी के लिए चैलेंज बताया जा रहा था, और अगर दोनों राज्यों में विपक्षी कमजोर हो गया तो फिर सीधा फायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है कि भाई विपक्ष तो भाग रहा है, विपक्ष का तो खेल ही खत्म हो गया, ये 2024 के पहले ही चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा ऐसा लग रहा। आप ये भी याद रखिए कि बिहार और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्षी एकता ने ऐसा मॉडल बनाया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे बिहार में कोई नहीं सोच सकता था कि लालू और नीतीश कुमार कभी एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की सारी पॉलिटिक्स ही लालू का जंगल राज खत्म करने के नाम पे थी। लेकिन वो साथ आ भी गए, अलग भी हो गए, फिर साथ आ गए, एक दूसरे को जितना गाली दे सकते थे दिए, फिर साथ आ गए और अब सरकार चला रहे। तो बिहार में गठबंधन के नाम पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहां गठबंधन ही कैसे होगा जब अगर पार्टियां टूटने लग जाएं। इसी तरह से महाराष्ट्र में कोई सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना आ जाएगी और तीनों पार्टियां गठबंधन करके सरकार चला लेंगी, क्योंकि शिवसेना तो जो है वो भर भर के कांग्रेस को कोसती रही, लेकिन कुर्सी के लिए सब साथ में आ गए। अब वहां पर अगर शिवसेना टूटी हुई है, एनसीपी टूट गई है जो अभी फिलहाल दिख रहा है, तो फिर बचा ही क्या महाराष्ट्र के। बिहार और महाराष्ट्र के इसी मॉडल को दिखाकर विपक्षी एकता की मार्केटिंग की जा रही थी, बोलना रहे थे कि देखिए अरे बिहार में तो खत्म कर देंगे, 40 सीट वहां से गया, 48 यहां से गया, खत्म नरेंद्र मोदी। जिनकी मार्केटिंग कर रहे थे जिन राज्यों की, वहीं पर मार्केट गड़बड़ा गया, लेकिन महाराष्ट्र में इस मॉडल में डिफेक्ट निकल गया। वहां पहले एकनाथ शिंदे ने ना सिर्फ उद्धव ठाकरे से सब कुछ छीन लिया बल्कि बीजेपी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन गए। एक साल बाद शिंदे वाला मॉडल ही एनसीपी में अप्लाई हो गया। अजीत पवार कई बार ट्राई करने के बाद आखिरकार इस बार एनसीपी के एकनाथ शिंदे बन गए और शरद पवार की पार्टी को लेकर उड़ गए, ठीक वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर उड़ गए थे। एनसीपी के अंदर जो हो रहा है, क्या यह मोदी शाह का गेम है या पवार का गेम है, इस पर आऊंगा, लेकिन पहले यह समझिए कि एनसीपी के अंदर जो भी हो रहा है वो ठीक एकनाथ शिंदे वाले पैटर्न पर ही चल रहा है। क्योंकि आप देखिए, शरद पवार कह रहे हैं कि असली एनसीपी उनकी, ऐसे उद्धव ठाकरे बोलते थे, 3 महीने में सब ठीक कर दें। अजीत पवार के साथ जो एमएलए गए हैं सब वापस आ जाएंगे, ये वही लाइंस हैं जो उद्धव ठाकरे बोलते थे शिवसेना के लिए। उधर अजीत पवार कह रहे हैं कि असली एनसीपी उनके पास है, उनके पास विधायक है, पार्टी है, सिंबल पर उनका अधिकार है, ये वही लाइंस है जो एकनाथ शिंदे बोला करते थे। तो जो शिवसेना में हुआ वही चीज एनसीपी पे हूबहू हो रही। शरद पवार के गुट ने अजीत पवार समेत 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। उधर अजीत पवार के गुट ने शरद पवार के गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र अवार्ड की सदस्यता रद्द करने के लिए चिट्ठी लिख दी, मतलब दोनों एक दूसरे को हटा रहे, क्योंकि दोनों अपने में माने बैठे कि हम ही एनसीपी, हम ही एनसीपी, तो शरद पवार वाली एनसीपी इनको हटा रही है, ये इनको हटा रहे। शरद पवार ने वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। उधर अजीत पवार के गुट से वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को हटा दिया, हटो तुम तो उधर के हो, और सुनील तटकरे को एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जिसको जो मन आ रहा फैसला ले रहा है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से एनसीपी के मालिक बने बैठे। अजीत पवार के गुट का दावा है कि उनके पास ज्यादातर विधायकों का समर्थन। अब अजीत पवार दावा क्या कर रहे हैं सुनिए भाई। अजीत पवार अपने हिसाब से अभी वही चीजें कह रहे हैं जो कि एकनाथ शिंदे कहते थे। अजीत पवार का दावा है इस वक्त कि उनके साथ 40 विधायक, 40 विधायक उनके पास। अब ये 40 अपने आप में अगर वो कह रहे हैं सही, तो इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है कि एनसीपी के कुल विधायक महाराष्ट्र में कितने हैं, वो है 53।
53, तो अब 53 में से अगर 40 जो है वो अगर अजीत पवार के साथ हैं तो फिर क्या एनसीपी बची? फिर तो वो हो गई उनकी। और अगर अजीत पवार का दावा सही है तो फिर ये ठीक एकनाथ शिंदे और उद्धव वाली स्थिति है जिसमें शिंदे खेमे में ज्यादातर विधायक चले गए थे और उद्धव अकेले पवार। लेकिन यह बात ध्यान रखनी होगी कि शरद पवार उद्धव ठाकरे नहीं है। अजीत पवार काम तो वही कर रहे हैं जो एकनाथ शिंदे ने किया, लेकिन उनके सामने उद्धव ठाकरे नहीं, शरद पवार। एनसीपी बिना शरद पवार के नाम के चल नहीं सकती, इसलिए अजीत पवार का गुट बार बार शरद पवार का नाम ले रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने यही कहा कि शरद पवार हमारे नेता हैं। अरे नेता है तो छोड़े का है भाई, और कह रहे हैं कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, मतलब पार्टी पूरी ये हथियार लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्ती शरद पवार को बनाए रहेंगे। एक बार सुनिए क्या बोल। अजय बाइट अभी नहीं है, आगे सुनाऊं। शरद पवार का नाम लेना अजीत गुट की मजबूरी और रणनीति दोनों। मजबूरी इसलिए कि वो नहीं चाहते कि शरद पवार गुट को एनसीपी के समर्थकों के बीच किसी तरह की सिंपथी का फायदा, और रणनीति यह है कि शरद पवार का नाम बार बार लेने से शरद पवार पर यह आशंकाएं उठती रहें कि सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, इसलिए बार बार शरद पवार इस पर सफाई दे रहे हैं। शरद पवार के गुट की अनुशासन समिति ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें यह बात लिखी गई कि यह बगावत बहुत ही सीक्रेट तरीके से की गई ताकि पब्लिक को यह लगे कि अरे शरद पवार को कुछ पता नहीं था। वह शरद पवार को नहीं पता था, खैर उस पर आगे आऊंगा। पार्टी अध्यक्ष को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, यह लिखा जा रहा है, ना ही पार्टी अध्यक्ष यानी शरद पवार की इसमें कोई सहमति है। यह पार्टी को छोड़ने जैसा है जो अयोग्यता का आधार भी बनता है। खुद शरद पवार ने भी कह दिया कि ऐसा कहना बहुत गलत है, ऐसे लोग जो बहुत मतलबी हैं या जिनमें समझ कम है वो ही ऐसा कह सकते हैं। पवार ने कहा कि जो वो पूरे राज्य का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, पार्टी में किसी नेता ने कुछ कर दिया इससे कार्यकर्ताओं को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पवार कह रहे हैं कि राज्य में उथल पुथल मचाने के लिए इस तरह के पैटर्न पर काम हो रहा है, दुर्भाग्य से उनके कुछ नेता इस चाल में फंस गए। मतलब शरद पवार बार बार ये यकीन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये उनका गेम नहीं है। एनसीपी में जो हो रहा उसे लेकर शरद पवार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सब शरद पवार को पता था या नहीं, क्योंकि ये बात आसानी से हजम नहीं होती कि शरद पवार के बिना जिस एनसीपी में पत्ता तक नहीं खड़कता उस एनसीपी को पवार के भतीजे अजीत पवार इतनी आसानी से ले उड़े और शरद पवार को पता ही नहीं था। खुद ही ना कह रहे हैं भाई कि हमको नहीं पता था, ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। 40 विधायक बगावत कर रहे हैं अजीत पवार के मुताबिक, दाहिना हाथ प्रफुल्ल पटेल, बायां हाथ जो है वो दूसरे नेता, वो सब जो है वो छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, छगन भुजबल, और इनको पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी बात, जब अजीत पवार पार्टी तोड़ रहे थे तो शरद पवार पुणे में थे और कोई हड़बड़ी में भी नहीं दिख रहे थे। जिसकी पार्टी टूट रही है, सालों की मेहनत मिट्टी में मिल रही है, उनको कोई हड़बड़ी नहीं। तीसरी बात, अजीत पवार बहुत पहले से संकेत दे रहे थे कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो फिर शरद पवार ने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की। चौथी बात, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेताओं का शरद पवार का साथ छोड़कर जाना किसी को समझ ही नहीं आया। भाई छगन भुजबल लेफ्ट हैंड, प्रफुल्ल पटेल राइट हैंड टाइप से रहे हैं शरद पवार। कल को कोई आपसे कहेगा कि नरेंद्र मोदी को छोड़कर अमित शाह जा रहे हैं, आप मानिएगा? कोई मान ही नहीं सकता। उसी तरह से प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शरद पवार के हम साए रहे हैं, एकदम साए की तरह रहे। अच्छा, इनका कोई, भाई शरद पवार की पार्टी परिवार वाली पार्टी है, सबको पता है, सब परिवार में ट्रांसफर होना ही है, सबको पता है। तो अजीत पवार को नहीं मिला तो समझ में आता है अजीत पवार नाराज हो सकते हैं। शरद पवार की जगह सुप्रिया सुले आ रही है, इससे प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल काहे को नाराज होंगे भाई, जब उनको पहले से पता है कि सब परिवार में जाना है। ये सब लॉजिक लोगों के गले नहीं उतर रहा है, इसीलिए शरद पवार बार बार समझा रहे हैं, अरे नहीं भाई मुझे नहीं पता था। अच्छा, आप ये भी समझिए कि अजीत पवार की अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती थी कि उन्हें एनसीपी में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के अंडर काम नहीं करना, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता शरद पवार के परिवार के नीचे काम नहीं करेंगे ये यकीन से परे। वो शरद पवार को किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं थे। अगर उन्होंने भी अजीत पवार का साथ दिया तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है। अब शरद पवार कह रहे हैं कि उनके घर में डकैती हो गई, लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने डकैती की उन्होंने तो डकैती की पहले भी कोशिश की थी। अरे आदमी अपने घर में 4 बार डकैती कराता है क्या? अब वो भी अपने ही आदमी से। लेकिन शरद पवार उस डकैती को भूल गए थे,
और अजीत पवार को न सिर्फ गले लगाया था बल्कि ठाकरे सरकार में डिप्टी सीएम बनवा दिया था। 2019 में जब अजीत पवार रातों रात बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गए थे, ये उसी वक्त की तस्वीर 2019 में, तो उस घटना के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि 2019 में शरद पवार बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार थे, लेकिन शरद पवार ने डबल गेम खेल दिया था। इस पर शरद पवार ने कहा था कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाकर उन्होंने गुगली फेंकी थी और मकसद था बीजेपी को क्लीन बोल्ड करना, और इसमें वो कामयाब हो गए। यानी 2019 का मामला, जिस वक्त वो ये भी बताते रहे, उस वक्त भी यही सब चला था ना भाई, अरे हमको नहीं पता कैसे हो गया, देखते हैं क्या होगा, शरद पवार कंट्रोल लेके बैठ गए, सबको वापस बुला लिए, अजीत पवार वापस आ गए, बीजेपी का छीछा लेदर हो गया। चार साल बाद खुद बोल दिए ना भाई कि हमको पता था। वैसे ही आज आप ये सब कर रहे हैं, कह रहे हैं हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। फिर तीन साल बाद कह दीजिएगा, दो साल बाद कह दीजिएगा कि हमको तो सब पता था, हम बीजेपी के जो है भटकाने के लिए और सेंटीमेंट वोट लेने के लिए सब किए, कौन जानता है। लेकिन अब जब शरद पवार खुद क्लीन बोल्ड हो गए तो लोग इन्हीं बातों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भी शरद पवार का सजाया हुआ गेम हो सकता है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो थ्योरीज चल रही वो एक बार सुन लीजिए। पहली थ्योरी तो यही है कि शरद पवार के इशारे पर महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा है और पर्दे के पीछे शरद पवार ही हैं ताकि उनको सेंटिमेंट वोट मिल सके, दूसरा उनकी बेटी स्टैब्लिश हो सके। आप देख रहे हैं सुप्रिया सुले की हर जगह फोटो आ रही है, इससे ऐसा लग रहा है अरे मेरी बेटी बड़ी हो, पार्टी में एक्सेप्टेंस बढ़ गई। दूसरी थ्योरी यह है कि बीजेपी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए अजीत पवार को एनसीपी से तोड़ दिया, क्योंकि शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा था और इससे सरकार गिर सकती थी। तीसरी थ्योरी यह चल रही है कि अजीत पवार और एनसीपी के बागी नेता इसलिए बीजेपी के साथ चले गए क्योंकि इन पर ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे, अरे वो तो पहले भी चल रहे थे। चौथी थ्योरी यह है कि यह सब कुछ पटना में विपक्ष की मीटिंग की वजह से हो रहा है जिसमें राहुल गांधी और शरद पवार दोनों गए थे, तो क्या ही हो गया। कहा जा रहा है कि एनसीपी के अंदर इस बात का विरोध हो रहा था कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को नेता तो घोषित किया नहीं था, लेकिन अलग अलग थ्योरी अलग अलग हिसाब से लोग बेच रहे हैं। अच्छा आप देखिए कि जिस विपक्षी एकता के ढोल पटना में बैठकर पीटे जा रहे थे वो ढोल तो महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर हुई बगावत में ही फट गया, ढोल ही फट गया भाई, क्योंकि 10 दिन पहले जिन प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार पटना में विपक्ष की मीटिंग में लेकर गए थे, ये देखिए ना शरद पवार बैठे हैं, इधर केजरीवाल बैठे हैं और उधर प्रफुल्ल पटेल भी बैठे हुए, वही प्रफुल्ल पटेल आज बीजेपी के साथ है। देखिए सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। अब इस तरह से कैसे विपक्ष किसी को भरोसा दे पाएगा कि जो नेता बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं वो कब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। यही बात ओवैसी पूछ रहे हैं जिन्हें पटना में मीटिंग में बुलाया नहीं गया था, क्योंकि ओवैसी को विपक्ष बीजेपी की बी टीम बताती है। अब ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे कि बॉस तुम लोग तो 2-2 मिनट में छोड़ के बीजेपी के साथ जा रहे हो, पब्लिक तुमको वोट देगी क्या। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। पटना में एक मीटिंग हुई और पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन से अपोजिशन की मीटिंग है ये जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में। आपके 40 MLA छूटकर भाग गए तो वो गलत है, मगर बिहार में मजलिस के 4 MLA को आपने खरीद लिया तो वो सच है। बिहार में हमने अपने खून पसीने से सीमांचल की सरजमीन पर वहां की आवाज पर लाखों सलाम उन्होंने मेहनत की और मजलिस के 5 MLA को कामयाब किया। यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मजलिस के MLA के जमीन को खरीद लिए। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो भी थ्योरी चल रही है उनमें किस थ्योरी में कितना दम है उसे आप सबके नफा नुकसान का आकलन करके समझ सकते हैं। भाई सब अपना अपना फायदा देख के ही ना कर रहे होंगे, तो आपको किसका फायदा किसका नुकसान समझा देते हैं। सबसे पहले अजीत पवार का फायदा नुकसान देखते हैं। अजीत पवार का सीधा फायदा तो यह दिखता है कि वो सत्ता में फिर आ गए, एनसीपी के अंदर उन्हें जो किनारे किया जा रहा था उसका बदला ले लिया। अजीत पवार का नुकसान यह है कि अगर शरद पवार का उन पर आशीर्वाद नहीं होगा तो फिर अजीत पवार का खेल 4 दिन की चांदनी साबित हो जाएगा, चुनाव में पोल खुल जाएगी सो अलग, पॉलिटिकल करियर दांव पे लग जाएगा, फिर जो है वो जाकर चचा के पैर छूने पड़ेंगे।
शरद पवार का फायदा नुकसान क्या है? भाई शरद पवार का फायदा यह है कि उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी सौंपने में आसानी होगी, पुराने नेताओं के हटने से सुप्रिया का कद बढ़ाने में आसानी होगी, पब्लिक के बीच मैसेज ये जाएगा कि देखो कितना बुरा हुआ सुप्रिया सुले के साथ, ना ना इसको तो खड़ा करना है भाई, और सुप्रिया सुले आजकल लीड भी कर रही हैं तो कद बड़ा हो रहा है। शरद पवार का नुकसान यह है कि अगर ये सब उनकी सहमति से नहीं हुआ तो फिर उन्हें फिर से पार्टी खड़ी करनी होगी। महाराष्ट्र के चाणक्य वाली उनकी छवि को धक्का लगा है। बीजेपी का फायदा और नुकसान क्या है इसे भी समझिए। बीजेपी का सीधा फायदा यह है कि एनसीपी के विधायकों के जुड़ने से महाराष्ट्र सरकार में और स्थिरता आ जाएगी। 1978 के बाद ऐसा हुआ है कि किसी भी सरकार के पास महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन, तो बीजेपी को स्टेबिलिटी मिलती है, पहला फायदा। बीजेपी का नुकसान यह है कि उनके पास अजीत पवार आए हैं, शरद पवार नहीं, और अजीत पवार और शिंदे जैसे नेता अपने दम पर चुनाव में क्या कर पाएंगे इसका टेस्ट अभी तक तो हुआ नहीं है। भाई शिंदे के पास शिवसेना थी, शिवसेना के बैनर तले लड़ रहे थे तो जीत रहे थे। इसी तरह से अजीत पवार हैं, भाई शरद पवार के नाम पे वोट पड़ता है, कौन सा अजीत पवार के नाम पे वोट पड़ता है? तो बीजेपी अभी इन लोगों को ले तो आई, लेकिन सभी बातें संभावनाओं पर टिकी हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बीजेपी का एक नुकसान यह भी है कि एनसीपी के जो विधायक उनके साथ आए हैं उनमें से कई नेता दागी हैं, इसलिए लोग सवाल उठाएंगे कि जो कल तक दागी थे आज साथ आते ही क्लीन कैसे हो गए। कांग्रेस तो वॉशिंग पाउडर भी बता रही है बीजेपी को। लेकिन महाराष्ट्र में उलटफेर से बीजेपी का बड़ा फायदा यह भी है कि उसे महागठबंधन के मुकाबले अपना महागठबंधन बनाने में मदद मिली, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास एनसीपी शिवसेना है, गठबंधन का नाम महाविकास आघाड़ी, बीजेपी के पास एनसीपी, अब वो भी एनसीपी ना बता रहे, तो एनसीपी शिवसेना है और महागठबंधन का नाम महायुति। यूपी के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी उथल पुथल हो रही है वो लोकसभा की 48 सीटों को लेकर। बीजेपी का पूरा जोर महाराष्ट्र पर इसलिए भी है क्योंकि पिछले दो चुनाव में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र की ज्यादातर सीटें जीत ली। 2014 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 42 सीटें जीती थी 48 में, और 2019 में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन ने 48 में से 41 सीटें जीती। यानी बीजेपी की कोशिश यह है कि 2019 में बीजेपी अकेले दम पर जो 23 सीटें जीती थी उन्हें रिटेन तो करे, साथ ही शिवसेना ने जो 18 सीटें जीत कर दी उन्हें भी शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर जीता जाए। शिवसेना की 18 सीटों में अभी शिंदे की शिवसेना के पास 13 सांसद हैं और बाकी 5 सांसद ठाकरे की शिवसेना के साथ हैं। शरद पवार को यह लगता हो सकता है, अगर ये उनका गेम है तो, कि भाई जब भी नरेंद्र मोदी का नाम आता है कुछ कार्ड तो चलता नहीं, कम से कम ये सेंटिमेंट कार्ड ही यूज किया जाए कि देखो मुझे सब छोड़कर चले गए, मोदी जी ने मेरे परिवार मेरी पार्टी तोड़ दिया, हो सकता है इसका फायदा मिल जाए। अब महाराष्ट्र में विपक्षी एकता का जो मॉडल बना था वो तो पंचर हो गया और दो बड़े सियासी परिवार से उनकी पार्टी छिप गई। एक तरफ अपनों की महत्वाकांक्षाओं को संभालने के चैलेंज और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अपनी मुश्किल। विपक्ष दोनों तरफ से कसा जा रहा है। जैसे आप बिहार में आरजेडी के मामले में देख लीजिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव का पूरा परिवार ही फंसा हुआ है। इस केस में सीबीआई ने आज चार्जशीट फाइल की जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम है चार्जशीट में। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। तेजस्वी यादव और कई कंपनियों समेत 17 लोग आरोपी हैं। लालू परिवार पर आरोप है कि जब यूपीए सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे तब रेलवे में नौकरी देने के नाम पर घोटाला हुआ। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे में नियमों को ताक पर रखकर बिना विज्ञापन निकाले उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। आरोप यह भी है कि जिन लोगों को गलत तरीके से रेलवे में नौकरी दी गई बदले में उन्होंने अपनी जमीनें बड़े डिस्काउंट रेट पर लालू परिवार को बेची। इसी तरह केजरीवाल की पार्टी का मामला देख लीजिए। शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही। भाई अरविंद केजरीवाल घूम घूम के चिल्ला रहे हैं कि सिसोदिया को मोदी जी ने फंसा दिया, लेकिन कोर्ट में क्या हो रहा है? दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में ईडी के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया। सीबीआई के केस में पहले ही हाईकोर्ट से सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। ईडी के केस में कोर्ट ने कहा कि स्टेज पर मनीष सिसोदिया जमानत लेने के योग्य ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया प्रभावशाली पद पर है इसलिए जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने शराब घोटाले के केस में सिसोदिया के साथ दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है और यह बार बार हो रहा है, फिर भी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे, कट्टर ईमानदारी का। उधर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया। यह मामला दिल्ली के
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस के जरिए दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं। दुनिया भर को यह बताते फिरते हैं कि इनके पास इतना पैसा है कि सब फ्री में दे रहे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए इनके पास फंड नहीं, इसलिए आरआरटीएस के लिए पैसा नहीं दे सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से क्या पूछा पता है? कि कौन सा फंड कहां खर्च हो रहा है, यह कोर्ट भी जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से विज्ञापनों पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा मांग लिया कि किसको कितना ऐड दे रहे हैं, कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, बताइए जरा। हलफनामा दाखिल करके दो हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए कितने का ऐड दिए। पब्लिक के प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है, ऐड के लिए पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जॉइंट प्रोजेक्ट है और अगर फंड की कमी इसमें रुकावट बन रही है तो विज्ञापन पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार बताए। लीजिए, वहां अलग फजीहत हो गई। ये पूरा मामला क्या है वो भी सुन लीजिए। आरआरटीएस जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ सेगमेंट का है, सूत्रों के मुताबिक ये जो आरआरटीएस आपको बता रहा हूं, आरआरटीएस ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है भाई, और इसमें कहा जा रहा पैसा नहीं है। इसको कह रहे हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब इसमें होना क्या है ये आरआरटीएस में, जिसके लिए केजरीवाल सरकार कह रही मेरे पास पैसा सा नहीं है, केंद्र अपना दे रहा है, ये कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है। कुल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 30,274 करोड़, इतना पैसा लगना है। दिल्ली सरकार को कितना देना है इसमें से आपको पता है? दिल्ली सरकार को देना है मात्र 1,180 करोड़। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बाकी सारा पैसा केंद्र देगा। इनको मात्र 1,180 करोड़ रुपए देना है और ये कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अभी नहीं दिए हैं, अभी कितना नहीं दिया है? कुछ पैसा दिया है लेकिन अभी 415 करोड़ नहीं दिए हैं और कह रहे हैं अब मेरे पास पैसा भी नहीं, हम नहीं दे सकते। तो इसी तरह से आरोप है कि आरआरटीएस के दिल्ली गुरुग्राम अलवर और दिल्ली पानीपत सेगमेंट के लिए भी केजरीवाल सरकार ने कोई फंड अब तक रिलीज नहीं किया। जबकि आप देखिए कि इसी साल की शुरुआत में राजनीतिक विज्ञापनों में सरकारी पैसे के दुरुपयोग के आरोप में केजरीवाल से 97 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ, जो पेनल्टी और ब्याज के बाद बढ़कर 163 करोड़ रुपए के करीब का हो गया। तो ये तो हाल है, एक हो नहीं रहे, ऊपर से भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप और तीसरी फजीहत चल रही है। क्या जुटेंगे ये लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ? पूरी दुनिया इस समय भयानक जल संकट से जूझ रही है, नदियां सूख रही हैं, जमीन का वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। कई बार तो कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए हो। भारत के कई इलाकों में पीने के पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है। यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% लोगों को साफ पानी नसीब नहीं। लेकिन इस भीषण जल संकट के बीच वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन तैयार की है जो हवा से पानी बना देती है। अब तक आपको जो पीने का पानी मिल रहा है वो पब्लिक वाटर सप्लाई से, ग्राउंड वाटर बोरिंग से मिलता है, कुएं से, हैंडपंप से मिलता है। लेकिन आपको कहेंगे बॉस आपके घर में जो साफ पानी आएगा वो अब हवा से आएगा, आपको हवा से पानी निकालने वाली मशीन लगा लेनी होगी। ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हवा से पानी बनाने वाली इस तकनीक का नाम है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, यानी वातावरण से पानी बनाने वाली मशीन। इस नाम को सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोई तगड़ी तकनीक है भाई जो हवा को पानी में तब्दील कर देती है, लेकिन यह कोई रॉकेट साइंस वाली तकनीक नहीं। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जब फ्रिज से कोई ठंडी पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक निकालकर बाहर रखते हैं तो उसके चारों तरफ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है, जैसे ये आपको देखिए शीशे पे जमा दिख रहा है ना। दरअसल कमरे के तापमान की वजह से वातावरण में मौजूद नमी या उमस पानी की बूंदों में बदल जाती है। बस इसी साइंस का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनें तैयार कर दी हैं जो हवा से पानी बना देती हैं और ये पूरी तरह शुद्ध, साफ और पीने लायक पानी। आगे बढ़ने से पहले आपको इस मशीन का डेमो दिखा देता हूं, ये किस तरह पानी बनाती है हवा से। सबसे पहले ब्लोअर के जरिए मशीन में हवा को खींचा जाता है, यहां लगे फिल्टर्स हवा से धूल वगैरह निकाल देते हैं। इसके बाद मशीन में लगा हीट एक्सचेंजर जो है वो हवा, हीट एक्सचेंजर की वजह से हवा कंडेंसर में लगी ठंडी ओजोन कॉइल से टकराती है और पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद पानी का फिल्टर और मिनरलाइजेशन किया जाता है, उसमें यूवी तकनीक से पानी से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और उसमें जरूरी मिनरल मिल जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है और आप हवा से निकला हुआ पानी पी सकते हैं। अभी ये थोड़ी तकनीक महंगी है लेकिन आने वाले वक्त में सस्ती होगी और शायद हमारी आपकी सबसे बड़ी जरूरत।